दुर्ग से देखेंगे, जहां पर खुरमुरा गांव में चार लोगों की हत्या का मामला सामने आया है और चार लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। पूछताछ में आपको बता दें कि संदिग्धों ने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। पिता पुत्र के साथ दो महिलाओं की हत्या हुई थी। डीजीपी डीएम अवस्थी इस पूरे मामले का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे, चार लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई थी, जिसमें चार लोगों को आपको बता दें पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी और कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। प्रदेश के डीजीपी डीएम अवस्थी जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करेंगे कि आखिर क्या वो वजह रही जिसके चलते एक इस पूरी वारदात को अंजाम देना पड़ा, चार लोगों को मौत की नींद सुलाना पड़ा। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। चंद्रकांत देवांगन जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रकांत, प्रारंभिक तौर पर क्या जानकारी मिल पाई है इन चारों आरोपियों से जिनको हिरासत में लिया गया है, कि हत्या के पीछे की क्या मुख्य वजह थी और क्यों चार लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया? देखिए रश, आपको बताना चाहूंगा कि दो दिन पहले की एक घटना है जहां पर सवेरे दो लोगों का शव पुलिस को बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन की तो दो महिलाओं के शव के बाद दो पुरुषों का भी शव बरामद हुआ और इसी के साथ पता चला गांव वालों की तरह कि चार बच्चे हैं उनके और चार बच्चे में से तीन बच्चे उनके घर पर मौजूद थे। एक बच्चा 11 वर्ष का, वो घायल अवस्था में था जिसको पुलिस ने तुरंत उपचार के लिए भेजा और पुलिस ये बता रही थी, पुलिस का कहना था कि जो बच्चा 11 साल का कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्षदर्शी या इस पूरी घटना का अहम सूत्र हो सकता है और उसी को लेकर पुलिस पूछताछ और संदिग्धों की खोज खबर शुरू की, जिसके बाद कल बच्चे को हॉस्पिटल से लाया गया, मौका मुआयने की जांच कराई गई और पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से पूछा गया। हालांकि बच्चे ने किसी तरह के लोगों को पहचानने से उसके ऐसा तो नहीं कि चंद्रकांत ये बच्चा डरा हुआ है क्योंकि उसने अपने घर के चार लोगों को खो दिया है और उस डर की वजह से अभी ये कुछ नहीं बोल पा रहा है। क्या पुलिस ने इसको पूरी मुकम्मल सुरक्षा दी है या नहीं? देखिए बच्चे को पूरी मुकम्मल सुरक्षा प्रदान की गई है और बच्चे से पूछताछ भी की गई बच्चे को। हालांकि रात के ये पूरी घटनाक्रम जो रात की वारदात हुई है जिसकी वजह से उसको कुछ चेहरे जो खुलकर सामने याद नहीं है, पर कहीं ना कहीं उसका ये जरूर कहना था बच्चे का कि अगर वो व्यक्ति उस हुलिया का व्यक्ति उनके सामने आ जाता है तो निश्चित तौर पर पहचान जाए। और जिन चार संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया उनसे क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए अभी तक पुलिस इस मामले में कुछ कहने से बच रही, चूंकि अभी तक इस मामले के संदिग्ध हैं और कहीं ना कहीं माना जा रहा है जो चार में से एक संदिग्ध है उस घटना क्रम को वारदात को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाए और इसी वजह से पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और जल्द से जल्द हो सकता है। प्रदेश के डीजीपी डीएम अवस्थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इस पूरे मामले से खुलासा करेंगे, पताश्वेत करेंगे कि कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक होगी? देखिए क्योंकि पुलिस जब तक इस गुत्थी को पूरी तरह न सुलझा ले आखिर विवाद की वजह क्या थी, कहीं ना कहीं जमीन का जो विवाद है ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है और किसी न किसी बिल्डर का भी इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है कि क्योंकि उनके घर और खेत के पास पास जो बिल्डर्स के कॉलोनियां हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं एक दबाव था इस परिवार को जमीन बेचने को लेकर ये माना जा रहा है, पर अभी तक के पुलिस ने किसी तरह कोई पुख्ता बयान नहीं दिए हैं या फिर पुलिस खुलकर इस बारे में कहने से बच रही। पर जब तक ये गुत्थी नहीं सुलझ जाती तब तक क्योंकि अब संदिग्ध हिरासत में बिल्कुल बाकी कानून व्यवस्था भी लगातार कटघरे में खड़ी होती जा रही है क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कोरोना काल से लेकर अब तक न केवल राजधानी रायपुर बल्कि राजधानी के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों कस्बों में भी इसी तरह की कई वारदातें सामने आ रही हैं जिससे कानून व्यवस्था भी अब सवालों के घेरे में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।